तो किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, क्या हालचाल। तो जो मेरे पीछे देख रहे हो 4G बुलेट सुपर नेपियर, ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट था। मगर क्या होगा, वीडियो शूट करते करते मैं भूल गया और मैंने सब कुछ दिखा दिया और जो मेन पार्ट था वो ही दिखाना मैं भूल गया था। तो ये वीडियो के आगे मैं जोड़ रहा हूँ और जब आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बातें कर रहा हूँ। जैसे एक फिल्म में रहता है कि लास्ट का पार्ट पहले जोड़ते, वैसे मैंने इसको जोड़ा है। तो यह वीडियो पूरा देखे, मेरी जानकारी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। इससे क्या होगा, ऐसे ही नए नए चारा संबंधित वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आप देख सकते हो इधर भी है बहुत सारा, मेरे पीछे देख सकते हो आप, एकदम हरा भरा ग्रीन बहुत सारा है, सभी किसानों को मिल जाएगा, इतना पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, तो उधर के खेत में भी है, अभी वो थोड़ा दूर है, मैं उधर नहीं जा सकता। तो मैं जो भी बोला हूँ, क्या भी बोला हूँ, सब बातें आपकी समझ में आ जाएगी। ये वीडियो पूरा देखे, एंड तक देखे और वीडियो कैसा लगे कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है किसान भाइयों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो तो नमस्कार किसान भाइयों, सत श्री अकाल, राम राम, क्या हालचाल। तो अभी लॉकडाउन चालू है, लॉकडाउन की वजह से सभी किसान भाई लोग घर पर ही बैठे हैं। तो आज थोड़ा खेत में आया था तो मैंने मेरे खेत में क्या क्या किया है, क्या करने वाला हूँ, सब कुछ मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में आज इस वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 1-2 एकड़ मैंने जो है अफ्रीकन टॉल माइंस की है। तो अभी अप्रैल चालू है, अगले महीने में मई चालू होगा। मतलब आपको तो मालूम है अप्रैल मई में कितना टेम्परेचर होता है, कितना टेम्परेचर हीट करता है। तो इस गर्मियों के सीजन में कौन कौन से चारा फसल हम बो सकते हैं, कर सकते हैं, और जितनी गर्मी रहती गर्मी के सीजन में क्या क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ घुमा फिरा के। और मैंने क्या क्या किया है लॉकडाउन के समय में, हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, हमें भी बताइए कमेंट करके। तो मैंने फिलहाल 2 एकड़ में अफ्रीकन टॉल माइंस लगा दी यहाँ पर। अभी अप्रैल में 13 अप्रैल है, आज 13 तारीख है। तो आधा एकड़ मैंने पीछे शुगर ब्रेज भी किया है, न्यूट्री फीड भी किया है, GB नंबर 1, GB नंबर 2, दशरथ घास सब कुछ किए हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या किया है, क्या प्रोसेस किया। तो यहाँ पर हमने जो शुगर ग्रेज रहता है, शुगर ग्रेज किया है। तो आप देख सकते हो ये ट्रैक्टर की सहायता से हमने उसका बिजाई की है। तो ये भी अच्छे से एकदम ग्रोथ करते हुए पूरा ज़मीन से निकलते हुए आप देख सकते हो पूरा भट्टी में अच्छे से। तो ये बड़ा होने के बाद कैसा दिखता है, क्या दिखता है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ। तो ये पूरा आधा एकड़ के आसपास हमने शुगर ग्रेस किया है आप देखो, और जो अफ्रीकन टॉल माइंस है वो भी 2 एकड़ में हमने की है। वो भी कैसी दिखती है एक बार देख लो आप, ये देखो पूरी ज़मीन से निकलती हुई अफ्रीकन टॉल माइंस भी हमारी आ गई है, देख सकते हो आप। तो चलो किसान भाइयों, उस साइड मैंने क्या क्या किया है। इधर तो मैंने फिलहाल आधा एकड़ शुगर ग्रेज, 2 एकड़ अफ्रीकन टॉल माइंस की है। तो उधर के खेत में मेरी क्या क्या तैयारी, आगे मैं गर्मियों के सीजन में क्या क्या करना चाहता हूँ मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो तब थोड़ा स्टॉप करता हूँ मैं। तो हम इधर के प्लॉट में आ चुके हैं किसान भाइयों। इधर अभी हमारे पास फिलहाल देख सकते हो मेरे पीछे ये जो मैंने ब्लैक काला गेहूँ आपको दिखाया था, वो काला गेहूँ पूरा पक चुका है। वो भी अभी 4-5 दिन में इसका भी कटाई हो जाएगा। तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने यहाँ पर बरसीन किया था, जो मैंने आपको बरसीन के वीडियो डाले थे कि बरसीन कैसे डालना, क्या करना। तो देख सकते हो ये मेरे पीछे दिखाई देता होगा, ये 3-4 पट्टी है, यहाँ पर मैंने बरसीन डाला था। और इधर
जो अमेरिकन फोडर सीड्स राई ग्रास मैं बोला था आपको, वो राई ग्रास भी आपको दिखाई देता होगा, अभी भी जिंदा है। तो ये तो सर्दियों के मौसम में किए जाने वाले चारा फसल है, और राई ग्रास हो गया, ये बरसीन हो गया, तो हमारे पास अभी भी जिंदा है। मतलब पानी का कंडीशन अच्छा होगा, आप ख्याल अच्छे से रखोगे तो वो चलेगा। तो उसके बाद जो हम मेथी ग्रास बोलते हैं, अल्फा अल्फा ग्रास बोलते होगे, देख सकते हो मेरे पीछे इसका कटाई भी चालू है। गर्मी का सीज़न चालू है, अभी अप्रैल चालू है, 8-10 दिन में मई भी चालू होगा। तो टेम्परेचर भी इतना हीट है, तभी भी देख सकते हो एकदम पूरा हरा भरा ग्रीन। सिर्फ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और अपना व्यवस्थापन अच्छा होना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो देख सकते हो मेरा आया अल्फा अल्फा, तो आगे यहाँ पर थोड़ा सा दशरथ ग्रास का भी प्लॉट किया था मैंने, ये देख सकते हो आप, ये दो फीट का लाइन में किया था दशरथ ग्रास, दो फीट की लाइन में किया था। और ये देख सकते हो, ये मेरे पीछे जो ये है एकदम हरा, आप इसमें फिलहाल मैं अंदर नहीं जा सकता, इसको मैंने पानी दिया है कल, तो अंदर गीला है, तो आपको दिखाई देता होगा एकदम हरा भरा एकदम ग्रीन। तो ये है हमारा न्यूट्री फीड, यहाँ पर न्यूट्री फीड लगाया है मैंने थोड़ा सा पशुओं के लिए। और ये है जीबी नंबर वन, एकदम ज़बरदस्त क्वालिटी किसान भाई, आप देख सकते हो यहाँ पर। मैं थोड़ा सा आगे के कैमरे से आपको ये पूरा थोड़ा दिखाई देता हूँ, ये क्या क्या चीज़ है और कैसा रहता है। अभी तो किसान भाई ये जो दशरथ ग्रास रहता है, दशरथ ग्रास का भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट रहता है, इसमें 22% का प्रोटीन लेवल रहता है। तो ऐसा दो फीट का जो सरी बोलते हम लाइन रहे थे, दो फीट का लाइन में हमने ऐसा भी उसको भी खोरा है। और जो ये देख रहे हो आप सामने, ये न्यूट्री फीड है, इसका भी ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है किसान भाई, न्यूट्री फीड। और ये जीबी नंबर वन है किसान भाइयों, तो देख सकते हो आप बहुत बढ़िया ज़बरदस्त रिजल्ट इसका, एकदम हरा भरा। ये भी मैंने लाइन टू लाइन किया है, ये भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ता है, अभी देख सकते हो ये जीबी नंबर वन जीबी नंबर टू, ये दो तीन तीन साल चलने वाले चारा फसल है। तो देख लिए किसान भाइयों आपने, अभी क्या है छुट्टियाँ चालू है, अभी 30 तारीख तक लॉकडाउन और भी आगे बढ़ा है, तब तक जो बेचारा फसल हम डालने वाले हैं उसके बारे में मैं भी आपको रूबरू करवा देता हूँ। तो आपने ये देखा होगा हरा भरा, तो इधर मैं अभी दिखाता हूँ आपको, अभी जो इधर मेरे पीछे जो पूरा लाइन देख रहे हो, तो पीछे भी मैंने आपको समझा दिया था कि 3 फुट का लाइन है मतलब सरी है, तो क्या बोलते हैं किधर किला बोलते हैं इसको, सरी बोलते हैं, लाइन टू लाइन 3 फीट का अंतर है, इसमें सुपर नेपियर सब कुछ लगा सकते हो इस पूरे प्लॉट में हम, इधर भी है और इधर पीछे भी बहुत दूर है आप देख सकते हो। तो इधर 1 एकड़ में हम इसमें दशरथ घास बोने वाले है, तो जो दशरथ घास रहता है वो सीड्स पकड़ने के लिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो एक साइड पर हम क्या करेंगे, इस पर दशरथ घास लगाएंगे और दूसरी साइड पर हम इसमें अफ्रीकन टॉल माइंस भी, मतलब 2-in-1 इसमें करने वाले हम। तो इसका भी अलग से वीडियो मैं अब डालूंगा, थोड़ा टाइम है इसको, अभी पानी देना है, पहले से पानी देना पड़ेगा। तो आगे भी मैंने क्या किया है कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये मेरे पीछे ये देख रहे होगे आप, तो यहाँ पर मैंने एक मिनट, ये जो सरी है ये जो लाइन है इसको मैंने पानी दे दिया है, आप देख सकते हो गीला दिखाई देता होगा। इस पर हम जीबी नंबर वन है, जो जीबी नंबर वन यहाँ पर डालने वाले हैं यहाँ पर 1/2 एकड़ में, इसका भी सीड्स पकड़ने वाले हैं हम, जो पुराना दशरथ घास था हमारा मेरे पीछे,
वो बहुत दूर तक वो भी है। आज सब कुछ दिखा दे दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर अभी GB नंबर 1 कैसे लगाना है, तकरीबन सारे वीडियो मैंने आपको अपलोड कर ही दिए कि किस मतलब अल्फाल्फा बरसीन राईग्रास सुपर नेपियर कैसे लगाना है सभी वीडियो डाले हैं। तो अभी GB नंबर 1 GB नंबर 2 दशरथ ग्रास ऐसे कुछ वीडियो में अभी मेरी पूरी तैयारी चालू है, तो उसके भी मैं वीडियो आपको डालूंगा। ये पीछे देख रहे हो, इधर देखते होगे आप मेरे, ये हरा भरा एकदम अल्फा अल्फा ग्रास आपको अच्छे से दिखाई देता हूँ। ये देख सकते हो आप, इतनी गर्मी चालू है किसान भाइयों, बहुत ज़बरदस्त टेम्परेचर है। तो इधर भी है और इधर पीछे भी है मेरे, बहुत सारा है। तो लास्ट में मैं आपको जो सुपर नेपियर 4G बुलेट है वो दिखाना भूल गया था, तो स्टार्ट में थोड़ा सा जोड़ के डाला है मैंने। तो ऐसे ही चारा संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जैसे आने वाले नए वीडियो का आनंद लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।